आपको पता है ना, जब मुगल शासक थे तो हम हिंदू लोग बहुत अच्छे से जीवन नहीं जी सकते थे। अंग्रेजों का काल तो हमने आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे बाबा हुआ तो बताते रहे, वो भी बहुत बहुत कठिन था। अब उस समय की आजादी ये थी कि जो हम पर शासन कर रहे हैं हम उनके शासन से मुक्त हो जाएं। आज आजादी जानते हैं क्या है? बाप कमा कमा के बच्चे के जेब में खूब पैसे भर दे, उसका मोबाइल अकाउंट सब बैकअप मजबूत हो, और साथ में ये भी ना पूछे, बेटा कब आओगे, बेटी कब आओगी, ये भी ना बोले कि तुम क्या पहनती हो, तुम किसके साथ उठते बैठते हो। इसको आजादी कहते हैं? ये आजादी नहीं है, ये तो उच्छृंखलता है। हम खुद इस बात के लिए सहमति देते हैं, समर्थन करते हैं कि बदलते दौर में हमारा जीवन का जीने का ढंग बदल रहा है, अंदाज बदल रहा है। आपको जैसे मर्जी वैसे रहिए, जो मर्जी वो पहनिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके पास इतना विवेक विचार होना चाहिए कि आप किस जगह किसके बीच में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे रहना है, अजनबी जगह पर जब जाते हैं तो वहां कैसे रहना है। आप पूरी दुनिया में ये सोचो कि बस हम चाहे जैसे रहें, दिल्ली, गोरखपुर, शिमला, चंडीगढ़ नहीं संभव, क्योंकि हर जगह की सोच और परिस्थिति अलग है ना। दिक्कतें तब होती है जब हम अपने इलाके से दूसरी जगह चले जाते हैं और फिर भी हम समय के हिसाब से अपने आप को ढालते नहीं है। तो आजादी जो है ना, उसका सही अर्थ हमको समझना होगा।